नमस्कार, वेलकम बैक टू हनी एंड टेक। आज के जो वीडियो है वो एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे है। उसे जानना था अगर उसका डेटा अभी जो रिसेंटली 530 मिलियन का जो स्कैम हुआ था, फेसबुक का डेटा ब्रिच हुआ था, डेटा लीक हुआ था, तो इस यूज़र को जानना है कि उसका डेटा लीक हुआ है कि नहीं। आपको ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, बट ये सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सो आपको क्या करना है, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे आपको चेक करना है। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। यू हैव टू जस्ट एंटर योर ईमेल आईडी। आपका ईमेल आईडी एंटर करने के बाद अगर आपका डेटा लीक हुआ है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सिस्टम में दिख जाएगी कि कहाँ कहाँ आपका डेटा लीक हुआ है। सो इसके पहले ये एग्जैक्टली क्या हुआ था उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। नमस्कार, वेलकम बैक टू हनी एंड टेक। आप हो हनीशा के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल हनी एंड टेक पे। सो फेसबुक का जो स्कैम हुआ था जहाँ पे 530 मिलियन यूजर्स का डेटा लीक हुआ था, इट वाज अक्रॉस 106 कंट्रीज। सो इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था, इसमें बेसिकली आप जो भी आपकी एक्टिविटीज़ करते हो, आप अगर कोई रेस्टोरेंट में भी जा रहे हो, अगर आप पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर रहे हो, तो आपका जो आपने किस लोकेशन से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है वो भी इंफॉर्मेशन फेसबुक के पास आ गई थी। तो ये कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। फेसबुक की वो सेटिंग पे लेके जाऊंगी जहाँ पे ये नोटिफिकेशन अनेबल्ड है, और इसी की वजह से आपकी सारी इंफॉर्मेशन, किस लोकेशन से आप कोई मैसेज को पोस्ट करते हो, किस लोकेशन से आप कोई भी फ्रेंड्स को मैसेज करते हो, या कोई भी पोस्ट है या आर्टिकल या कोई भी लिंक को शेयर करते हो, लाइक करते हो, वो सारे नोटिफिकेशन अलर्ट फेसबुक के पास ये डेटा स्टोर्ड है। कुछ सिक्योरिटीज़ है जो सेटिंग्स है मैं आपको बताऊंगी। सो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप पहले तो जान सकते हो आपका डेटा, आपका जो ईमेल आईडी है इस 530 मिलियन में से है कि नहीं। सेकेंड जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कौन से सेटिंग्स को जाके चेंजेस कर सकते हो जिससे आपका डेटा कुछ सिक्योर रहे। तो ये सारे डिटेल्स के लिए आपको ये वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और सारी सेटिंग्स को समझना पड़ेगा। आपको ये वेबसाइट पे आपका ईमेल आईडी टाइप करना है, पॉन्ड पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको नीचे रिजल्ट में आ जाएगा कि अगर कोई साइट पे आपके डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हुई है तो नीचे आपको दिखाई जाएगा, जैसे यहाँ पे बता रहा है पॉन्ड इन 8 डेटा ब्रिजेस। तो अभी इस पे क्लिक करते हैं और समझते हैं कहाँ कहाँ डेटा ये मेरा लीक हुआ है। तो इस तरह से आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। ओके, सो एक वेबसाइट है जहाँ पे जाके आपको सिर्फ आई हैव बीन पॉन्ड और नॉट, वहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करना है, ठीक है। और आपको नोटिफिकेशन भी सेट करना है, अगर कभी भी आपका ईमेल आईडी कॉम्प्रोमाइज होता है तो आपको इस तरह से ईमेल आ जाएगा, व्हेन यू एंटर योर ईमेल आईडी टू कंफर्म योर ईमेल आईडी, जिससे कभी भी कुछ भी तरह का हैक होता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो आपको इस तरह से नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको आपका ईमेल आईडी कंफर्म करना है। सो यहाँ पे मैंने मेरा ईमेल आईडी एंटर करने के बाद वो बता रहा है कि 8 डेटा है जहाँ पे मेरा ब्रिचेस हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने कैनवा, बिकॉज मैं यूट्यूब के वीडियो एडिट करती हूँ, कैनवा में मेरी इन्फॉर्मेशन लिंक्ड हुई है। अनआइडेंटिफाइड दिख रहा है जहाँ पे मैंने मेरा ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं किया है, बट मेरा ईमेल आईडी उस 530 मिलियंस के डेटा में था। सो ये 8 सिस्टम्स है, उनके नाम दिख रहे हैं आपको, फिर यू कैन यू नो यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट कि कहाँ पे आपने आपका डेटा दिया है। जोमेटो है, फूड ऑर्डर करती हूँ, तो बेसिकली यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। मतलब इन लोगों को, इनकी जो सर्विस है जो मैंने अवेल की है, और वो सर्विस की अवेल करने के बाद मेरा डेटा है, जैसे मैंने कहाँ से ऑर्डर किया, मैं किस लोकेशन से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, मेरा ईमेल आईडी वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन इनको चली गई है। सो आपको जब भी आप ईमेल आईडी आप इस लिंक पर डालोगे तो आपको पता चचलेगा दैट विच ऑल सर्विस यू हैव अवेल्ड और कहाँ पे आपका डेटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। आपको फेसबुक के कुछ सेटिंग्स में चेंज करना है, आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाना है। ओके, सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन बेसिक दिखेगी, आपको क्या करना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाना है, प्राइवेसी चेकअप पे क्लिक करना है, वो कैन सी व्हाट यू शेयर। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू क्लिक करके आपको दिखेगा आपके ईमेल आईडी, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, दैट आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन फेसबुक को प्रोवाइड किया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, आपका स्टेटस, आपका एड्रेस,
ओके सो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे फ्रेंड्स एंड ओनली मी वहाँ पे दिख रहा है। उसी तरह से आप आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आप चेंज कर सकते हो, जिससे किन के पास आपकी इन्फॉर्मेशन ये मिलती है या आप खुद सेट कर सकते हो। यस आपके पास है बट फेसबुक को पता चलता है, बट देन अदर यूज़र को आपकी ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलेगी। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो ये एक सेटिंग मोड है जो आप चेंज कर सकते हो। आपकी अगर आपने किसी को ब्लॉक किया है तो आप उसको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। इस तरह से बाकी के जो ऑप्शंस दिया है यू कैन सी ऑन द डैशबोर्ड, हाउ टू कीप योर अकाउंट सिक्योर, सो कुछ नोटिफिकेशन उनका नॉलेज टूल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और आपकी सेटिंग्स को यहाँ जाके आपको चेंज करना है, आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चाहते हो उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। There is one more way where you can ask Facebook basically whether you have been pawned or not. ये इसकी भी लिंक मैं आपको दे दूँगी, जहाँ पर सिर्फ आपको उनका जो फिल आउट द फॉर्म फिलअप करना है, फिर वो खुद अपने डेटाबेस से चेक करेंगे whether your data has been leaked or not. So आपको यहाँ पर information डालना है, you have to just select the options whether my information was leaked or not. आपको आपका email ID type करना है, आपका पूरा नाम type करना है, ठीक है, and then सेंड करना है आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, वो इन्फॉर्मेशन टाइप करना है। और उसके बाद फेसबुक को ये आप सेंड पे क्लिक करोगे तो उसके बाद फेसबुक आपको खुद नोटिफाई करेगा कि कौन सी सारी इन्फॉर्मेशन आपके लीक हुई है। सो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द वे वेयर यू कैन फाइंड आउट वेदर योर इन्फॉर्मेशन वॉज लीक्ड और नॉट। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दी है।